पहले 62 mm, ये तो साइज था यूट्रस का, ये यूट्रस का साइज 85 है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, करने वाले पे भी डिपेंड करता है, एक ही जगह हुआ है। और इसमें जो है ये मैंने लार्जेस्ट 20 mm का था, अब लार्जेस्ट जो है वो 35 mm का है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं। अच्छा, आपका अपना साइज भी तो बढ़ गया, बस उतना ही फर्क है, ठीक है, कि एज के साथ या टाइम के साथ ये बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। अब आपकी एज कितनी है? 43। हाँ, इसके बाद ये श्रिंक होते हैं, मीनोपॉज के बाद श्रिंक होते हैं, हमेशा नहीं बढ़ता चला जाएगा। 35 mm बहुत छोटा है। और अभी मैंने जैसे बताया कि ये अल्ट्रासाउंड करा के आते हो, इसमें फाइब्रॉइड आते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड कुछ नहीं कहता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन फाइब्रॉइड जो होता है वो नींबू की तरह चिकना होता है ऐसे, और जो कैंसर होता है वो अदरक की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसकी ब्लड सप्लाई कम होती है कंपैरिजन में, इसकी ब्लड सप्लाई कंपैरिजन में बाकी जगह के ज़्यादा होती है, तो अल्ट्रासाउंड वाले को ही पता चल जाता है। फिर भी हमें और डबल श्योर होना है तो पैप स्मियर कराना है। पैप स्मियर होता है जिसमें हम सेल्स निकाल के देख लेते हैं, ये सबको कराना है। फाइब्रॉइड अगर इतना बड़ा कैंसर होता तो अब तक ऊपर पहुँच गए होते, तो अल्ट्रासाउंड से कैंसर पता ही नहीं चलते चलेगा, जब अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा तब तक तो बंदा ऊपर होगा। तो पैप स्मियर सबका होना चाहिए। आपका मुझे एज भी कम लग रहा है, अभी करा के जाना, फेस पीला लग रहा है। अब साइज तो हमारा 19-20 चेक करने वाले पे भी डिपेंड करता है, उसने पॉइंटर कहाँ लगाया हमारी, हाँ पोजीशन थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत बढ़ भी गया 2 साल में तो एक्सेप्टेबल है। इतना स्लो ग्रोइंग है, ऐसा नहीं कि ग्रोइंग नहीं है, स्लो, वेरी स्लो ग्रोइंग है, और मीनोपॉज के बाद श्रिंक कर जाता है, क्योंकि यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम होती चली जाती है, वो श्रिंक कर, और किसी रेयर केस में नहीं भी करता। तो कोई ऐसे बता नहीं सकते आज की डेट में, ये है कि साल में एक बार आप इसको फॉलोअप पे रखें, साल में एक बार, स्लो ग्रोइंग है ना। हाँ, अभी तो कम से कम 70-80 mm तक तो बिल्कुल कुछ नहीं है, 100 mm तक भी कुछ नहीं है। हाँ, 10 cm का हो जाए फिर होता है कि ये बहुत बड़ा ही होता जा रहा है, चलो निकाले। ये जितने तुम्हारी जैसी रिपोर्ट रोज आती है, और फाइब्रॉइड के लिए अबॉर्शन जो ऑपरेशन है बच्चेदानी साल में एक बार निकालती हूँ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा होता है। ऐसे कैसे फट जाए, तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन है, फट थोड़ी जाती, इतना बड़ा बच्चा होता है तो नहीं फटती। जो चीज़ ग्रो कर रही है तो सारी इकट्ठी ग्रो कर रही है। फेस पे आपके अगर कोई ये मौका बन जाता है तो फेस फट थोड़ी जाता है, वो तो स्ट्रेचेबल होता है।